आज से हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज। नई सीरीज क्या भाई, जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, 10 कदम। 10 कदम में मतलब क्या होगा कि 10 मिनट की वीडियो और रात 10 बजे, 10 मिनट की वीडियो रात 10 बजे मिलेगी और वहां पर चाहे क्वेश्चन एक हो या दो हो, मतलब आपको एक ट्रिक ऐसी करा दी जाएगी जिससे कि आप उस क्वेश्चन को 30 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं। 30 सेकंड भी ज़्यादा बताया मैंने, उससे भी कम समय में आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा भाई। जितने भी बच्चे हैं वो सब जो हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, कब, जब उन्हें पसंद आएगी। अगर पसंद ना आए तो कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए डेली आपको कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो देते चले जाएं और स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए पहली वीडियो है आज और आपके सामने पहला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, यदि 2 की पावर a = 3 है, 3 की पावर b = 4 है, 4 की पावर c = 7 है, 7 की पावर d = 8 है, तब ABCD का मान बताना है। क्या बताना है, ABCD का मान बताना है। देखिए 2 की पावर a = 3 है, 2 की पावर a बराबर किसके हैं भैया, 3 के, और 3 की पावर b = किसके हैं भैया, 4 के। 2 की पावर a = 3 के, 2 की पावर a = 3 के, और 3 की पावर b = किसके हैं, 4 के। इसका मतलब क्या है कि मैं 3 की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 की पावर a। मैं 3 की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 की पावर a। तो रख दिया भाई 3 की जगह 2 की पावर a और उसकी पावर b लगाया, बराबर किसका आया भाई, 4 के। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर ab = किसके आया भाई, 4 के। 2 की पावर ab = किसका आया 4 के। इसका मतलब अब क्या है, अब यहाँ पर आपके पास है 4 की पावर c = 7। क्या है भाई, 4 की पावर c = 7 और 4 का मान 2 की पावर ab है। 4 का मान 2 की पावर ab है, रखूँगा तो मैं 2 की पावर ab और उसकी होल पावर क्या लिखूँगा, c = 7 के। ठीक है जी, या इसका मतलब क्या है, घात के ऊपर घात आई, इसका मतलब आप इसे कर सकते हैं गुणा। क्या कर सकते हैं, इसे गुणा। उसके बाद यह है 7 की पावर d = 8 के है, क्या है भाई, 7 की पावर d = किसके हैं, 8 के, और 7 की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे 2 की पावर a b c और उसकी होल पावर क्या रखेंगे भैया, d = 8 के। इसका मतलब घात की अगर गुणा कर दें तो बनेगा 2 की पावर a b c d, और 8 इधर है, इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 2 है। या तो दोनों आधार को 8 में ले जाएं हम, या दोनों आधार को हम किस में ले आएं भाई, किस में ले आएं, 2 में। तो आपको क्या आसान लगता है, दोनों ही काम आसान है, दोनों ही आप कर सकते हैं, दोनों से ही मैं कराऊंगा। यहाँ पर देखें, पहले मैंने 8 को बनाया 2, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ भैया, 3। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3। आधार से आधार कटा और ए बी सी डी का मान जो कितना आ गया भैया, 3 आ गया। कितना आया, 3 आ गया। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, तो यहाँ पर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर a b c d = किसके हैं भैया, 8 के आया। ठीक है, अब हम इसे 8 बनाना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम 2 की पावर 3 = किसके होता है 8 के होता है, और जब 3 यहाँ पर लगाया है तो 3/3 में भी लिखना पड़ेगा, किसके, ए बी सी डी के, वो जो घात में है, और बराबर किसके हैं, 8 के। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 की पावर a b c d / 3 = 8 की पावर 1। इससे कैंसिल हुआ, इसका मतलब a b c d / 3 = 1, या कह दूं मैं a b c d = किसका आया भैया, 3 के। तो जैसे भी करना चाहो, मतलब हम 2 को 8 में भी बदल सकते हैं और 8 को 2 में बदल सकते हैं, लेकिन इतना सांग जोड़ने के बजाय डायरेक्ट आप 8 को क्या बदलो, 2 की पावर 3 में बदलो। पहली बात, ये इसका पूरा तरीका है भाई, ये इसका पूरा तरीका है, लेकिन इतना नहीं करना। अगर आपको जैसे 2 की पावर a = 3 दिया, फिर इसी संख्या को की घात लगा दी इसने कुछ, फिर दूसरी संख्या को भी दे दी, फिर जो यहाँ बराबर में थी उसकी घात लगा दी और उसके बराबर में कुछ दे दी, फिर जो यहाँ पाई उसकी घात लगा दी उसके बराबर में दे दी कुछ, या
इधर जैसे ऐसे भी लिख सकता है, इधर दो लिख दिया, इधर तीन की पावर ए लिख दें, इधर तीन लिख दिया, इधर चार की पावर बी लिख दें, मतलब घात ये इधर की बजाय इधर भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना आपको, देखिए छोटा सा काम करना, कितना काम करना, बहुत छोटा सा काम करना। अब दिमाग को यहाँ रखना, क्योंकि ये बात अगर आपकी समझ में आई तो ये मान लो कि ये ट्रिक आपके दिमाग में घुस चुकी है। क्या हो गया, ये ट्रिक आपके दिमाग में घुस चुकी है। क्या करना भैया, फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ना। क्या करना, फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ना। फर्स्ट पे क्या है, दो। फर्स्ट पे क्या है, दो। लास्ट में क्या है, आठ। लास्ट में क्या है, आठ। पहली बात क्या बताया मैंने, मैंने बताया फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ना। क्या करना, पहला और आखिर का पकड़ना, जहां से शुरुआत हुई वो संख्या लेनी और जहां पर एंड हुआ है वो संख्या लेनी, जहां से शुरुआत हुई है वो संख्या लेनी और जहां पर एंड हुआ है वो संख्या लेनी, और उसके बाद क्या करना, जितनी भी पावर है सबको ले लो इकट्ठा, सबको इकट्ठा करो, जितनी भी पावर है सबको इकट्ठा करो, सबके कोड़े भर लो और एक साइड रख दो। किस साइड रखनी, इस बात का ध्यान रखना, किस साइड रखनी है इस बात का ध्यान रखना, जिस साइड आपको क्वेश्चन में मिली है। अगर क्वेश्चन में घात लेफ्ट साइड में दी है तो पूरी घात लेफ्ट साइड में लिख दो, अगर क्वेश्चन में घात राइट साइड में दी है तो घात जो है राइट साइड में लिख दो। अभी करके दिखाऊंगा मैं। चलिए भाई, इसके बाद तो कुछ रहा नहीं है, सारा सांग खत्म। यहाँ पर आ चुके हैं हम, और इसे क्या लिख सकते हैं, दो की पावर तीन, दो से दो गया, इसका मतलब ए बी सी डी बराबर किसका आया, तीन के, और यही आपका क्या था भैया, आंसर था, यही क्या था, आंसर था। और समझते हैं इसी ट्रिक को, करते हैं पक्का। कैसे करेंगे भाई, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ाते हैं बात को, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर हमने आपके लिए कर दिया कितना, 16 है, कितना कर दिया भाई, 16 है। तो कुछ नहीं करना, देखें फर्स्ट पकड़ो, लास्ट पकड़ो, पहला और आखिर का पकड़ो, पहला और आखिर का, पहला दो लिया, लास्ट में क्या है, 16, वो ले लिया भाई, पहला दो लिया, लास्ट में क्या है, 16, वो लिया, सबकी घात इकट्ठी करो, सबकी घात इकट्ठी करो, सबकी कोड़ी भरो और एक साइड रख दो। एक साइड किस साइड रखो, लेफ्ट साइड में घात है तो लेफ्ट में रखनी है, राइट में घात है तो राइट में रखनी है, क्वेश्चन अपने आप बताऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं सोचना। इसके बाद 16, 16 का मतलब दो की पावर चार, 16 का मतलब क्या है, दो की पावर चार, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16, इसका मतलब दो की पावर चार है, आधार से आधार कटा तो ए बी सी डी बराबर किसके आए भाई, चार के आए, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं है कि हमेशा आपको इधर ही मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है पावर इधर मिले। चलिए पावर का खेल बदलते हैं और पावर हम अब की बार दूसरी तरफ रखते हैं, किधर रखते हैं, इधर रखते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है भाई, ये आ गया जी, ठीक। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ो जी, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला दो है, पहला दो है, लास्ट का 16 है, पहला दो है, लास्ट का 16 है, पहला दो है, लास्ट का 16 है, पावर पकड़ो भाई, ए बी सी डी, मैंने कहा सबकी कोड़ी भरो, जितनी पावर है और रख दो एक तरफ, किस साइड रखनी, जिस साइड क्वेश्चन में दिख रही, जिस साइड क्वेश्चन में दिख रही है, क्वेश्चन क्वेश्चन में इस बार घात की दर दी, इस बार दी है राइट साइड, आपके सीधे हाथ की तरफ दी है तो उधर रख दी। अब देखें यहाँ दो है, यहाँ 16 है, बड़ी नाइंसाफी है, इस 16 को दो में बदल दो, क्या लिख सकते हैं, दो की पावर चार, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16, तो दो की पावर चार, और ये घात में ए बी सी डी रखी हुई है भाई, ये तो रहनी, इसका मतलब दो से दो गया तो यहाँ पर 4 ए बी सी डी बराबर किसका आया, एक के, इसका मतलब ए बी सी डी की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1/4 आ जाएंगी, कितने आ जाएंगे भैया, 1/4। अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर बार चार ही पद देगा, वो तीन भी दे सकता है, पांच भी दे सकता है, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर आपको तीन देखने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे कितने, चार, पांच कम देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन बदला इस बार हमने, या 2/3 की पावर ए, 3/4 की पावर बी और 4/8 की पावर सी, ए बी सी की वैल्यू पूछ ली, तो पहली संख्या बराबर लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या बराबर लास्ट वाली संख्या, सारी पावर को इकट्ठी करो और रख दो यहाँ पर, ठीक है भैया। तो 2 की पावर 1 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, 8 का मतलब कितना है, 2 की पावर 3 है, 2 दुनी 4 दुनी 8, 2 दुनी 4 दुनी 8, मतलब 2 की अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, 8, और घात में क्या है, ए बी सी, ठीक है जी, ये कटा तो 1 बराबर आया,
तीन ए बी सी के, इसका मतलब अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना बनेगा भैया, एक बटे तीन। तो आज की ये ट्रिक रही, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लगाओ, इसी ट्रिक से लगाओ सारे, चाहे किताब कोई सी भी है, आर्स अग्रवाल हो, आपकी किरण की किताब हो, राकेश यादव हो, कोई भी एक्स वाई जेड जो आपके पास किताब है और उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं, करो भाई। और नहीं होते तो टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड करो, उसे बिल्कुल कराया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, आग लगा दो, आग लगा दो बिल्कुल, इस वीडियो को इतना फैला दो। तो अभी तक के लिए इतना ही, और बने रहेंगे हम साथ साथ। धन्यवाद।